गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज आपको पढ़ाएंगे वंशगति का आरंभिक आधार में जो वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है हम सभी के लिए, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक से हम कहते हैं डीएनए, जिसे हम कहते हैं डीएनए, जिसे हम शॉर्ट में डीएनए कहते हैं, तथा इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डी। तो आज ये जानेंगे कि डीएनए क्या है, यानी कि डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल क्या है, तथा डीएनए की खोज किसने की और डीएनए का हमारे शरीर में क्या महत्व है। जैसे कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होना दूसरी पीढ़ी में डीएनए कहलाता है। तो देखिए, डीएनए की खोज 1869 में यानी कि 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक नीशर ने की थी। डीएनए की खोज 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक नीशर ने की थी। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से इन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक द्रव संश्लेषित किया एवं उसका नाम न्यूक्लिक दिया, तथा उसका नाम इन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियन दिया। मतलब जो ये तो न्यूक्लिक है, लेकिन यहाँ पर जो नाम दिया गया था वो था न्यूक्लिन, तो न्यूक्लिन दिया। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा गया, तो ये आप सभी लोगों को डेफिनेशन लिखनी है कि डीएनए की खोज 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रीडरिक नीशर ने की थी। इन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक से एक सफ़ेद द्रव संश्लेषित किया एवं उसका नाम न्यूक्लिन दिया। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा गया। तो यह था आपका केंद्रक अम्ल। तो पढ़ेंगे डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति, तो हेडिंग है डीएनए की कोशिकाओं में उपस्थिति, डीएनए की कोशिकाओं में उपस्थिति। तो डीएनए की कोशिकाओं में उपस्थिति क्या है, यानी कि लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स, लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल्स, ठीक है। तो कोशिका में उपस्थिति डीएनए की क्या है, तो दो प्रकार से इसमें उपस्थिति होती है। एक प्रकार से होती है पूर्व केंद्रीय कोशिका में, तथा दूसरी प्रकार से होती है सुकेंद्रीय कोशिका में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व केंद्रीय कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, तथा सुकेंद्रीय कोशिका को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पूर्व केंद्रीय कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। पूर्व केंद्रीय कोशिका, पूर्व केंद्रीय कोशिका प्रो, जिसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक
होता है, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इनमें केंद्रक का अभाव होता है, अतः डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अतः डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें डीएनए, इसके अतिरिक्त इसमें डीएनए प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है, इसके अतिरिक्त इनमें डीएनए प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है, जो कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय तत्व होता है, जो कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय तत्व होता है। तो यह था आपका पूर्व केंद्रकीय कोशिका। सेकंड है सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका, इसमें लिखेंगे डीएनए एक जाल के रूप में, डीएनए एक जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित रहता है, एक जाल के रूप में केंद्रक के भीतर उपस्थित रहता है, जो कोशिका विभाजन के समय, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर, जो कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, इसे केंद्रक डीएनए कहते हैं, इसे केंद्रक डीएनए कहते हैं। तो देखिए आपकी जो दो प्रकार की कोशिका बताई गई, प्रोकैरियोटिक तथा दूसरी यूकैरियोटिक, तो इसके तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अब लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है कि डीएनए की अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है, तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलती है। तो जो कुछ मात्रा होती है डीएनए की वे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। सभी पादपों जंतुओं तथा विषाणुओं में डीएनए द्विगुंडलित होता है। तो सभी पादपों, तो आप इसे थोड़ा सा अगली लाइन से लिख लेंगे, नोट्स बना के लिखेंगे, डीएनए की अधिकांश मात्रा, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में, तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है, तथा कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है। सभी पादपों जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में, सभी पादपों जंतुओं तथा कुछ विषाणुओं में डीएनए द्विगुंडलित होता है, विषाणुओं में डीएनए द्विगुंडलित होता है। इसके अतिरिक्त 5 × 174 नामक विषाणु में एक कुंडलित डीएनए पाया जाता है, एक कुंडलित डीएनए पाया जाता है। तो ये आपने डीएनए की कोशिकाओं में स्थिति देखी किस प्रकार से थी। अब अगली हेडिंग जो है वो इन्हीं दोनों की है, पूर्वकेंद्रीय तथा सुकेंद्रीय कोशिका में अंतर। तो हेडिंग आ गई है पूर्वकेंद्रीय तथा सुकेंद्रीय डीएनए में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड
यूकैरियोटिक सेल। तो एक तरफ लिख देंगे पूर्व केंद्रकीय डीएनए तथा दूसरी तरफ लिख देंगे सुकेंद्रकीय डीएनए। तो लिखेंगे पूर्व केंद्रकीय लिखेंगे यह है कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। यह है कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे यह है केंद्रक में पाया जाता है। यह है केंद्रक में पाया जाता है। नंबर सेकंड लिखेंगे यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नंबर सेकंड में लिखेंगे यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब सुकेंद्रीय में सेकंड नंबर लिखेंगे यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर थ्री लिखेंगे पूर्व केंद्रकीय में यह प्रायः वृत्ताकार, यह प्रायः वृत्ताकार व द्विरज्जवीय होता है। यह प्रायः वृत्ताकार व द्विरज्जवीय होता है। थर्ड पे लिखेंगे यह प्रायः रेखीय, यह प्रायः रेखीय व द्विरज्जवीय होता है। यह प्रायः रेखीय व द्विरज्जवीय होता है। नेक्स्ट नंबर फोर नंबर लिखेंगे पूर्व केंद्रकीय में इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी कि जो पूर्व केंद्रकीय कोशिका होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो लिखेंगे इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। और सुकेंद्रकीय में लिखेंगे इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगला नंबर नेक्स्ट लिखेंगे यह केवल कुछ प्रोटीन्स के लिए कूट करता है। यह केवल कुछ प्रोटीन्स के लिए कूट करता है। यह केवल कुछ प्रोटीन्स के लिए कूट करता है। इसमें लिखेंगे यह अनेक प्रोटीन्स के लिए, यह अनेक प्रोटीन्स के लिए कूट करता है। फिर लिखेंगे इनमें पूर्व केंद्रकीय में लिखेंगे अगला पॉइंट इनमें इंस्ट्रॉन्स अनुपस्थित होता है। इनमें इंस्ट्रॉन्स अनुपस्थित तो होता है। और सुकेंद्रकीय में लिखेंगे इसमें एक्सॉन व इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक्सॉन व इंट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला तो ये थे आपके पूर्व केंद्रकीय तथा सुकेंद्रकीय में अंतर। अब एडिंग डालेंगे डीएनए के प्रकार, यानी कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डीएनए। एडिंग डालेंगे डीएनए के प्रकार, टाइप ऑफ डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए, डीएनए के प्रकार। तो देखेंगे डीएनए पूछा गया कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं तथा ये कैसे दिखते हैं और डीएनए क्या है। तो देखेंगे डीएनए के प्रकार में, यानी कि डीएनए अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। डीएनए अनेक प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जैसे आकार के आधार पर होते हैं, आकृति के आधार पर होते हैं,
और तथा संरचना के आधार पर होते हैं। तो ये कई प्रकार के डीएनए होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आकृति के आधार पर, आकृति के इसके अंतर्गत ये हेडिंग है आकृति के आधार पर, यानी कि डीएनए जो बताया जा रहा है कि आकृति के आधार पर ये कैसा होता है। तो आकृति के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, लिखेंगे आकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। आकृति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, पहला ए वृत्तीय वृत्तीय डीएनए, पहला है वृत्तीय डीएनए, वृत्तीय डीएनए पहला है इसके अंतर्गत है, ए नंबर है वृत्तीय डीएनए। देखिए वृत्तीय डीएनए क्या है, तो लिखना नहीं है, सुनना है सिर्फ कि अनेक पूर्व केंद्र के जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर एक वृत्तीय डीएनए बनाते हैं जो नग्न होते हैं, क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होते। इनमें पॉली अमीन से संयोजन पाया जाता है, ये अत्यधिक बलित युग्मित तो होते हैं, इसलिए इन्हें प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ये जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर ये जीवों में डीएनए के दोनों छोर जुड़कर एक वृत्तीय डीएनए बनाते हैं, ये नग्न होते हैं, ये नग्न होते हैं। इनमें पॉली अमीन से संयोजन पाया जाता है, इनमें पॉली अमीन से संयोजन पाया जाता है, ये बलित कौमा अयुग्मित होते हैं, ये बलित कौमा अयुग्मित होते हैं। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे रेखीय डीएनए, बी डालेंगे रेखीय डीएनए, रेखीय डीएनए। रेखीय डीएनए क्या है, ये सुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है, लिखिए ये सुकेंद्रकीय जीवों में पाया जाता है तथा ये हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होते हैं, तथा ये हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित होते हैं। तो ये थे आपके आकृति के आधार पर, हेडिंग डालेंगे दूसरी संरचना के आधार पर, ये बस दी आपकी सेकंड आई जो कि हेडिंग है संरचना के आधार पर। लिखेंगे संरचना के आधार पर ये कैसे दिखाई देते हैं, तो संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर एक बी डीएनए वाटसन एवं क्लिक, नंबर ए बी डीएनए वाटसन एवं क्रिक मॉडल, सभी जानते हैं कि डीएनए का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल ने डीएनए का मॉडल दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, के अनुसार डीएनए दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, इसे बी डीएनए या संतुलित डीएनए कहते हैं, इसे बी डीएनए या संतुलित डीएनए कहते हैं। इसी के आगे दूसरी हेडिंग है ए डीएनए, देखिए आपका बी डीएनए था और आया आपका ए डीएनए, ए डीएनए लिखेंगे
देखेंगे, यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है, यह भी दक्षिणावर्त कुंडलित होता है। तथा प्रत्येक कुंडलन में ग्यारह न्यूक्लियोटाइड्स युग्म होते हैं, अब नंबर थ्री लिखेंगे, सी डी एन ए लिखें, इसमें लिखें इसके प्रत्येक कुंडलन में 9 क्षार युग्म होते हैं, अब लिखेंगे डी डी एन ए में इसके प्रत्येक कुंडलन में 8 क्षार युग्म होते हैं, अब लिखेंगे जेड डी एन ए, आपका है जेड डी एन ए, इसके जो आपका है लास्ट वाला है वो है जेड डी एन ए, इसमें लिखेंगे यह है वामावर्त, कुंडलित होता है, इसकी कुंडलनी, टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसके प्रत्येक कुंडलन में 12 क्षार युग्म होते हैं, तो ये थी आपकी आकृति के आधार पर तथा संरचना के आधार पर इसकी संरचना। तो ये आज आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, कल इसकी डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये सभी लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, जिसको कोई चीज़ यहाँ पर समझ में ना आई हो वो पूछ सकता है।